न्यू ईयर पे हम हर साल कुछ रेजोल्यूशंस लेते हैं, लेकिन पहला महीना जनवरी गुजरते ही हमारे रेजोल्यूशंस भी गुजर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। दोस्तों, ये तय करना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह के रेजोल्यूशंस लेते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए किस तरह के रेजोल्यूशंस की जरूरत है। रेजोल्यूशंस लेने से पहले आप अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि किन कमियों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, या किन कमियों की वजह से आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा। उन कमियों को फाइंड आउट करिए, बैड हैबिट्स को फाइंड आउट करिए और उनके आधार पर रेजोल्यूशंस लीजिए। दोस्तों, रेजोल्यूशंस बनाना कोई बड़ा टास्क नहीं है, बड़ा टास्क है उसको निभाना। और जो रेजोल्यूशंस आप लें वो कैसे फुलफिल हो, कैसे अपने अंजाम तक पहुंच सके, उसके लिए आपको बहुत ढेर सारे रेजोल्यूशंस नहीं लेने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि कल से मैं एक बिल्कुल ही नया इंसान बन जाऊंगा, बिल्कुल नई आइडेंटिटी हो जाएगी मेरी, लोगों को आश्चर्यचकित कर दूंगा कि लोग सोचने लगे कि क्या ये वही रविंद्र गौतम है या कोई और। कहने का तात्पर्य, आप अपने को पूरा का पूरा बदलने की कोशिश एक बार में ही ना करें, क्योंकि ये संभव नहीं हो पाएगा और आपके रेजोल्यूशंस दम तोड़ देंगे। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, शायद वो आपको अपने लिए बेहतर रेजोल्यूशंस चुनने में हेल्प कर सके। अगर आप लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये देखिए आपकी लाइफ में पंक्चुअलिटी की क्या वैल्यू है, कमिटमेंट की क्या वैल्यू है, जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें आप कितना स्किल्ड हैं, कितने आप डिसिप्लिन हैं लाइफ में, क्या आप राइट फ्रेंड सर्कल में हैं, मनी मैनेजमेंट यानी सेविंग ऑफ मनी या कर्जे से छुटकारा। कहने का तात्पर्य ये कि जो भी वीकनेस आपकी ग्रोथ में बाधा बन रही है, हर्डल क्रिएट कर रही है, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और सिर्फ एक या मैक्सिमम दो रेजोल्यूशन लीजिए, ना कि होलसेल में। अगर आप एक रेजोल्यूशन भी कंप्लीट करने में कामयाब रहे तो यकीन मानिए आप अपने डिजायर्ड गोल की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं। लेकिन रेजोल्यूशन को पूरा करना एक बड़ा टास्क है, उसके लिए आप रिमाइंडर्स लगाइए, अपने रेजोल्यूशंस को प्रिंट करिए और फ्रेम करा के अपने बेडरूम में बिल्कुल अपने सामने वाली दीवार पे लगाइए, ताकि सोते जागते आपको रिमाइंडर मिल सके। मोबाइल के स्क्रीन सेवर्स में, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप के स्क्रीन सेवर में अपने रेजोल्यूशन मेंशन कीजिए, ताकि आप अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा रिमाइंडर दे सके और आप उसे करने के लिए मोटिवेट हो सके, प्रेरित हो सके। अगर रेजोल्यूशन ब्रेक हो जाता है तो उसे बीच में ना छोड़े कि अब अगले साल करूंगा, कीप कंटिन्यूइंग इट, ये सोच के कि गलती हो गई, मैं ब्रेक नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, और दोबारा उसे कंटिन्यू करें और तब तक करते रहें जब तक आप उसे अचीव नहीं कर लेते। आपको मोहम्मद गौरी तो याद होगा दोस्तों, जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, भारत पे 17 बार आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी, पृथ्वीराज को बंदी बना लिया था, यानी मोहम्मद गौरी ने हार नहीं मानी थी, वो लगातार चढ़ाई करता गया और अंत में सफल होके ही रुका। आपको भी हार नहीं माननी है दोस्तों, तब तक प्रयासरत रहना है जब तक आपकी जीत नहीं हो जाती, जब तक आपके रेजोल्यूशंस कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपको प्रयासरत रहना है, चाहे उसके लिए कितनी ही टाइम लगे, कितना ही बार आपको प्रयास करना पड़े, लगातार करना पड़े। जरूरी नहीं है कि उसको हमें एक साल में ही करना है, दो महीने में ही करना है, तीन महीने में ही करना है। आपका सिर्फ कमिटमेंट ये होना चाहिए अपने प्रति कि ये कमिटमेंट जो मैंने अपने आप से की है उसको पूरा करना है, हर हाल में पूरा करना है। और नए रेजोल्यूशंस लेने के लिए, किसी भी रेजोल्यूशंस लेने के लिए आपको नए साल की वेट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। तो जब आपको समझ में आ जाए कि मेरे अंदर ये कमी है, या मुझे ये अचीव करना है, या जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसमें मुझे ये स्किल की कमी है, तो उसको इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए और अभी से कर दीजिए। उसके लिए नए साल की वेट मत करिए, आप कि जीत अवश्य होगी। आपको कोई नहीं हरा सकता दोस्तों, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको आने वाले 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।